नेम इज रोहन कृष्ण चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेसी ब्लॉग सर। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, आपसे मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बहुत सी बुरी चीज़ें भी होती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कभी कभी हम कुछ करते हैं तो वो चीज़ ठीक से भी होती है और हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ नहीं कर पाते। तो जैसे कि यार, अभी मैं गया था हरिद्वार, जैसे मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार में मैंने एक वेडिंग शूट किया था। तो हुआ क्या यार, उसमें मैंने बहुत सारा ब्लॉग किया, तो ब्लॉग के दौरान यार उसमें मेरी वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वो क्यों? क्योंकि यार कैमरा जो था मैंने एक बार भी टेस्ट नहीं किया था। आप सोचोगे टेस्ट नहीं किया था, कहने का मतलब ये है कि जब मैं रामपुर में था, जब मैं हरिद्वार जा रहा था, तो रामपुर में मैंने कैमरा रखा था टेबल पर, उसके ऊपर मैंने पूरी ब्लॉग भी बनाया, तो वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो जब कैमरा मैंने टेबल पर रखा था तो कैमरा नीचे गिर गया था, जिससे माइक पर सारा लोड आ गया था। तो जब माइक पे लोड आया तो माइक का जो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये जो पिन में लगा था ये टूट गया। तो अभी मैंने माइक टेस्ट करके देखा कि माइक जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो पूरी फुटेज जहाँ जहाँ मैंने बोला है वो यार पूरी ही ब्लैंक, मतलब वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, मतलब आप ये समझ लो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मतलब ये समझ लो कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई उसमें, है ना, बिल्कुल भी। तो अब क्या कर सकते हैं यार, मुझे इतना बुरा लगा कि यार इतनी मतलब अच्छी मतलब वेडिंग पे, और मतलब मैंने सोचा था इसमें बहुत ही धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा, है ना, और सबसे कह दिया था कि वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। तो अब क्या कर सकते हैं यार, है ना, वो ना वही है यार जो ऊपर वाला मानेगा। तो अब मैंने करा ऐसा कि जो मेरे मेन शॉट्स हैं उसमें मैंने डाल दिया है म्यूज़िक डालने का, यही मेरा रीज़न था कि अच्छे से वीडियो जो है, नहीं तो यार वीडियो ना बहुत ही लंबी थी, बहुत सारे लोग मतलब उसमें बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स वगैरह भी थे, उन्होंने भी अपने व्यूज़ दिए थे, उन्होंने भी अपने पॉइंट्स रखे थे वेडिंग के लिए, है ना, जो उन्होंने बोला था, तो वो सब रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसमें सब ऑडियो कट गई है। एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। तो देखा आपने यार, ऐसा भी होता है। बहुत मेहनत करके शूट करा था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। बुरा तो मुझे भी लगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तो अब होगा ये, जहाँ जहाँ मैंने कुछ बोला है वहाँ पे मैं वॉइस ओवर दूंगा, है ना, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आप एक काम करो, फटाफट जाके ब्लॉग देखो। तो इस शॉर्ट में मैं अपना इंट्रो बोल रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि जो होटल है वो रानीपुर मोड़ हरिद्वार में सिचुएटेड है, और ये बता रहा हूँ कि यार बहुत तेज़ आंधी चल रही है ना, और रानीपुर मोड़ जो है वो हरिद्वार के मिडिल का प्लेस है, पूरी मतलब मिडिल में पड़ती है। और मैं इस होटल की एक्चुअल लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ से पास पड़ेगा, क्योंकि BHL रोड और रानीपुर मोड़ के जस्ट पास ही है, और रात भी होने वाली है, तो मैंने अपना कैमरा भी नाइट मोड पे लगा रखा है।